हाय एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम व्हाट्सएप के बैकग्राउंड वॉलपेपर के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप किसी से चैट करते हैं तो उसका जो बैकग्राउंड है डिफ़ॉल्ट आता है, जो हमारा स्क्रीन पर देख रहे होंगे बगल में, तो आप चाहते हैं इसको चेंज करना लेकिन आपको नहीं पता कि किस तरह इसको चेंज किया जाता है। आप चाहे तो अपना खुद का फ़ोटो भी लगा सकते हैं या किसी और का भी फ़ोटो लगा सकते हैं, या आपको काफ़ी सारे वॉलपेपर मिल जाते हैं जिसे आप लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप कैसे इसमें वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं, चैटिंग वाला बैकग्राउंड वाला वॉलपेपर को। तो सबसे पहले व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आप दो तरीक़ा से कर सकते हैं। या तो आप किसी के चैट में ओपन करके और चेंज कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट सेटिंग से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको सेटिंग से बता देते हैं। ऊपर आप थ्री डॉट देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन, यहाँ पर देख रहे हैं चैट्स का एक ऑप्शन है, चैट्स पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर थीम है, उसके बाद नीचे में वॉलपेपर है, इस पर हम क्लिक करेंगे वॉलपेपर पे। और यहाँ पर जो आपका करंट वॉलपेपर सेट होगा वो आपको दिखाई देगा। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि डार्क वाला हम सेट करके रखे हैं, आपका डिफ़ॉल्ट वाला होगा। तो नीचे में एक चेंज का बटन मिल जाता है, चेंज पर आप क्लिक करेंगे। चेंज पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ग्लेरी का जो फोटोज होता है वो भी आपको देखने को मिलता है माई फोटोज में, या तो आप डार्क भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं सॉलिड कलर आपको मिल जाता है, तो सॉलिड कलर पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी सारे आपको वॉलपेपर मिल जाते हैं बैकग्राउंड में, जो सिर्फ सिंपल सा वॉलपेपर होता है, कलर होता है, जिसे आप अपने चैट के बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वॉलपेपर चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर देख रहे हैं ब्राइट पर आपको क्लिक करना होगा। और काफ़ी सारे यहाँ पर देख रहे हैं वॉलपेपर आपको मिल जाते हैं जो आप अपने चैट के बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डार्क में आप क्लिक करेंगे तो डार्क वाले जितने वॉलपेपर आपको मिलते हैं व्हाट्सएप की तरफ से ही मिलते हैं आपको, जो आप सेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं अपना खुद का फ़ोटो लगाना या किसी और का फ़ोटो लगाना, तो माई फ़ोटोज़ पर क्लिक करके आप अपने गैलरी से फ़ोटोज ले सकते हैं और सेट कर सकते हैं। लेकिन आपको फिर से पहले की तरह करना होगा, जिस तरह व्हाट्सएप में डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर आता है उस तरह आपको कुछ चाहिए। तो नीचे देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और वॉलपेपर आपका डिफ़ॉल्ट पहले की तरह हो जाएगा। तो कुछ इस तरह व्हाट्सएप में आप बैकग्राउंड में चैट वॉलपेपर को आप चेंज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से पूरा कीजिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।